मैं फिर से आपका आपके चैनल में टेक बस एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होने जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एपी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एपी। एपी मतलब क्या होता है? एपी मतलब होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है एपी मतलब? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स वॉट? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच एवरी टर्म हैव इट्स सेम कॉमन डिफरेंस, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसमें सब कॉमन डिफरेंस एक ही ऐसा निकलेगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? T2 माइनस T1, ठीक है। T2 और T1 क्या होता है? टर्म होता है। T1 मीन्स टर्म 1, ठीक है। TM मीन्स टर्म 1। T2 इज इक्वल टू टर्म 2, ठीक है। T2 इज इक्वल टू टर्म 2। T3 इज इक्वल टू व्हाट? T3 इज इक्वल टू टर्म 3। T4 इज इक्वल टू व्हाट? टर्म 4। एंड TN इज इक्वल टू व्हाट? टर्म N, ठीक है। टर्म N, तो ये सब होता है। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो हमें क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस आएगा। तो T2 माइनस T1, ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, ये T4 हो जाएगा, ये T5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये T2 माइनस T1, T2 हमारा 4 है, माइनस 2 कॉमन डिफरेंस सेम है। इसको कैसे पता करेंगे? इसमें आप इक्वल टू करके लिख लेंगे T3 माइनस T2। T3 क्या है? 8 है, 6 है, और माइनस T2 क्या है? 4 है। यहाँ भी आ जाएगा 2, यहाँ भी आ जाएगा 2, मतलब दिस नंबर हैज अ सीक्वेंस ऑफ ईच सब। जितना भी T2 T1 करेंगे हमारा कॉमन डिफरेंस 2 ही आएगा, मतलब सेम कॉमन डिफरेंस। या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे भी, सेम डी। डी मीन्स व्हाट? डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो दिस इज इन एपी, ठीक है। दिस इज इन एपी, द सीक्वेंस ऑफ नंबर इज इन एपी। अभी तो हमने कुछ किया, हम प्रॉब्लम को, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैक्स टू मैक्स 3 और 4 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरा जानना है तो बनाएगा वीडियो क्लास तक। और चैनल अपना है तो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73, ठीक है। कोई एपी है, ठीक है, एपी है, उसका 31st टर्म हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसका 11th टर्म हमारा दिया है 38 है और 16th टर्म 73 है। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक आपको फॉर्मूला याद होगा, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। तो 11th टर्म के लिए यहाँ पे 11 माइनस 1 10D हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, लिख सकते हैं ना? जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर से हम a प्लस 16 टर्म है तो हम a प्लस 15D लिख सकते हैं। जी क्यों नहीं लिख सकते? तो a प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब हम क्या करेंगे? इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये क्रॉस, ये हो जाएगा आपका माइनस 5D और ये हो जाएगा माइनस 35।
ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल टू 35/5, तो डी हो जाएगा हमारा 7, ठीक है, डी हो जाएगा हमारा 7, डी हमारा निकल गया। हम ए भी निकाल सकते हैं, कैसे, इन दोनों में से किसी में पुट कर देते हैं, तो मान लीजिए हम इसमें पुट करते हैं तो ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ए के वैल्यू में निकालना है, तो ए प्लस 10 और डी का वैल्यू हमारा 7 है इज इक्वल टू 38, तो ए प्लस 35 इज इक्वल टू 38, तो ए इज इक्वल टू 38 माइनस 35, सो ए इज इक्वल टू 3, मतलब फर्स्ट टर्म आ गया 3, कॉमन डिफरेंस आ गया 7, ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस आ गया 7। हमें निकालना है क्या, 31st टर्म, और फॉर्मूले को उठाते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, 31st टर्म को यहाँ पर हम 31 माइनस 1 लिख करेंगे, उस समय हम ए प्लस 30D लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी क्या है, ए की वैल्यू हमारी 3 है प्लस 30, और डी की वैल्यू हमारी 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 210 मीन्स 213 इज द 31st टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अब हम लोग जाने वाले हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन हम रीड करने जा रही हैं, योर सेकंड क्वेश्चन ऑन स्क्रीन राइट नाउ, ठीक है, तो आपका हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म विल बी 0, ठीक है, थर्ड टर्म दिया हुआ है और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा टर्म हमारा 0 होगा, हमें समझ जाना है कि थर्ड टर्म हमारा दिया है 4 और नाइन्थ टर्म हमारा दिया है -8, और हमें यह भी समझ जाना चाहिए कि हमें TN पूछ रहा है, ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, थर्ड टर्म दिया है तो हम ए प्लस 2D लिख सकते हैं, किस फॉर्मूला से, TN इज इक्वल टू ए प्लस स्मॉल ब्रैकेट एन माइनस 1D, इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं ए प्लस 2D इसको, ठीक है, ए प्लस 2D लिख लिए, इसका वैल्यू दिया है 4, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस 8D इज इक्वल टू -8, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, साइन चेंज माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये कट गया, यहाँ पे आ गया -6D और यहाँ पे आ गया 12, तो डी इज इक्वल टू -12/6, तो डी इज इक्वल टू 2, ठीक है, डी हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, अब इस जो डी का जो वैल्यू आ रहा है उसे किसी भी एक इक्वेशन में रख देना है, तो हम इसमें रख लेते हैं, तो ए प्लस 2D इज इक्वल टू 4, तो डी का वैल्यू आ रहा है हमारा 2, यहाँ पे -2 आ रहा है ना, तो 2 × -2 इज इक्वल टू 4, तो ए माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, ए माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो ए इज इक्वल टू 4 + 4, तो ए इज इक्वल टू 8, ए हो गया हमारा कितना, हो गया हमारा ए आ गया 8, ठीक है, ए हमारा आ गया 8, ओके, इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया, आना चाहिए, ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, ए की वैल्यू आ गई हमारी 8, ठीक है, अब हमें निकालना है TN, ठीक है, TN निकालना है हमें, तो हमें n की वैल्यू निकालना है, ठीक है, n की वैल्यू निकालना है, तो TN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, ठीक है, TN की वैल्यू हमें दी हुई, TN हमें नहीं निकालना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकालना है, हमें 0 मतलब n निकालना है, ठीक है, तो TN हमारा दिया हुआ है 0 और a की वैल्यू हमने निकाली हुई है 8 और प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी ही है, और d की वैल्यू दी रखी है हमें -2, ठीक है, डी की वैल्यू दी रखी है -2, जिसको हम पहले अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, 8 प्लस ये हो जाएगा -2n, ठीक है, ये हो जाएगा -2n और यहाँ पे हो जाएगा +2, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ये 8 और प्लस 2 10 -2n, ठीक है, ये इधर चल जाएगा, तो हो जाएगा -2n इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, जब इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो होगा जी बिल्कुल होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और n इज इक्वल टू 10/2 मीन्स फिफ्थ टर्म विल बी 0, ठीक है, फिफ्थ टर्म विल बी 0, पांचवी टर्म 0 होगी, नहीं बस है तो प्रूफ करके दिखा देता हूँ, फिफ्थ टर्म के लिए हो जाएगा हमारा a प्लस 4d,
ए प्लस फोर डी हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस फोर डी, ए की वैल्यू दे रखी है मैं 8, प्लस फोर डी की वैल्यू दे रखी है माइनस 2, ठीक है। डी की वैल्यू दे रखी है माइनस 2, तो 8 और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, फिफ्थ टर्म 0 है, ठीक है। ये भी बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों हम जानने वाले अपने थर्ड क्वेश्चन, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये हमें साफ बताता है, ये हमें साफ बताता है सच डैट हम T17 मतलब टर्म नंबर 17 से अगर 7 माइनस कर दें तो हमें हमारा टर्म नंबर 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के आधार पर अभी ये सारा क्वेश्चन लगने वाला है, ठीक है। तो T17 तो क्या हो जाएगा, a प्लस 16d, तो a प्लस 16d लिख लेते हैं माइनस 7, और ये T10 का क्या हो जाएगा a प्लस 9d, इसे भी लिख लेते हैं, ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं। अब इसको इधर ला लेते हैं, ठीक है, और इसको इधर भेज देते हैं, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये कट गया और यहाँ पे बचेगा आपका 7d इज इक्वल टू 7, सो d इज इक्वल टू 7 बाई 7, कट क्या आ जाएगा आपका, d कितना 1 आ जाएगा, d आपका, ठीक है, d का वैल्यू आ गया 1। अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी में पुट करके, नहीं सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना था, निकल तो गया, खेल खत्म इस क्वेश्चन का, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हम जानने वाले आज का अपने लास्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म इज 24, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एथ टर्म इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स टर्म एंड टेंथ टर्म इज 44, ठीक है। फोर्थ टर्म और एथ टर्म का सम कितना है 24 है, और सिक्स टर्म एंड टेंथ टर्म का सम कितना है 44 है, तो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ए प्लस फोर फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं ए प्लस 3d, और इसको लिख सकते हैं ए प्लस 7d, ठीक है। ए प्लस 7d इज इक्वल टू 24, यही ना है, सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड द एथ टर्म, ठीक है। प्लस कर लेते हैं ए और ए हो जाएगा 2a और ए हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24, ठीक है। 2 कॉमन निकल जाएगा, ए प्लस 5d इज इक्वल टू 24, तो ए प्लस 5d इज इक्वल टू 24 बाई 2 मीन्स 12, ठीक है। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम करेंगे ऐसे ही इसका, ठीक है। तो ए सिक्स टर्म और टेंथ टर्म, तो ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 9d इज इक्वल टू 44, ठीक है, इज इक्वल टू 44। अब इसको भी कर लेते हैं, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो 2 कॉमन निकल जाएगा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 बाई 2 मीन्स 22। अब हम इसको भी क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 एंड a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2d और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10, तो कट जाएगा, d इज इक्वल टू 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5, d का वैल्यू आ गया हमारा 5, a का वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे a का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, क्योंकि a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ठीक है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है, तो a का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a इज इक्वल टू माइनस 13, माइनस 13 आ गया फर्स्ट टर्म, निकालना है हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म तो निकल गया, सेकेंड टर्म क्या क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी मीन्स माइनस 13 और डी क्या है हमारा प्लस 5, तो हो जाएगा माइनस 8, और ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म मीन्स लास्ट टर्म, ए प्लस टू डी, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 13 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 3, ये हो गया आज का हमारा पूरा काम। तो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट इट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आई मेड सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। तो लेट्स एंड टुडेज वीडियो।